हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे हम अपने हिंदी ग्रामर का यानी कि हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका कौन सा है, स्वरनाम। इससे पहले मैंने आपको चार टॉपिक करवा दिए थे, जैसे कि कारक हो गया, समास हो गया या फिर आपका संज्ञा हो गया। अगर आपने वीडियोज देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दे रखा है, जो कि आपके आने वाले NVS एग्जाम्स, KVS एग्जाम्स, DSSB एग्जाम्स, UP टेट, सुपर टेट, कोई सा भी एग्जाम हो, वहाँ पर आपके यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा और आखिरी में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ऐड कर रखे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, तो उन क्वेश्चन को जरूर लगा के देखिएगा कि अब तक आपको कितना समझ में आया है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो DK गुप्ता ऑनलाइन वीडियोज फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो लिख सकते हो आप स्वरनाम। ओके, तो स्वरनाम है आज का हमारा टॉपिक। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरनाम आखिर होता क्या है, तो आज तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं बुकों में, जो हमें रटवाया जा रहा है बचपन से, वो यही रटवाया जा रहा है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, स्वरनाम कहा जाता है। अब संज्ञा क्या था, तो किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। जो कि सरल भाषा में मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। चाहे वो राम हो, सीता हो, गीता हो, गंगा हो, यमुना हो, जमुना हो, वो क्या है, आपकी संज्ञा है। अब उसकी जगह पर आप कोई अन्य शब्द यानी कि इस्तेमाल करते हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्वरनाम कहला जाएगा। ओके, अब ये स्वरनाम जो होते हैं, जैसे संज्ञा, तीन भेद होते हैं संज्ञा में, और कई बच्चे कहते हैं सर पांच भेद होते हैं, वो पांच नहीं, दो उपभेद होते हैं उसके। ओके, वैसे ही स्वरनाम के कितने भेद होते हैं, छह भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला प्रश्नवाचक स्वरनाम, दूसरा निश्चयवाचक स्वरनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक स्वरनाम, नेक्स्ट है निजीवाचक स्वरनाम, फिफ्थ है संबंधवाचक स्वरनाम, और सिक्स्थ है आपका प्रश्नवाचक स्वरनाम। तो ये छह प्रकार के स्वरनाम होते हैं, और इन्हीं छह प्रकार के स्वरनामों को मैं आपको विस्तारित में बताऊंगा कि किस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा पोर्शन है और किस प्रकार से आपका पोर्शन यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। ओके, तो पहला लिख लीजिए अपना पुरुषवाचक स्वरनाम। तो इसको शाब्दिक अर्थ में इसको क्या कहा जाता है, तो जिन स्वरनामों का प्रयोग वक्ता यानी कि जो बोलता है वो, यानी कि जैसे मैं क्या हूं, वक्ता हूं, अपने लिए, श्रोता के लिए एवं किसी अन्य के लिए करता है वो पुरुषवाचक स्वरनाम कहलाता है। यानी कि सरल शाब्दिक अर्थ में कहा जाए, कोई भी स्वरनाम का प्रयोग, जैसे कि वक्ता मैं, आपका श्रोता यानी कि सुनने वाला, सामने वाला, या फिर किसी और व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, तो तीनों चीज का जब आप इस्तेमाल करते हो किसी का, एक का भी उनमें से, तो वो क्या कहलाता है, आपका पुरुषवाचक स्वरनाम कहलाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुषवाचक स्वरनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो पुरुषवाचक स्वरनाम जो होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष स्वरनाम। ओके, तो ये तीन प्रकार के आपके स्वरनाम होते हैं पुरुषवाचक के अंदर। अब ये तीनों को मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, और इन्हीं तीनों को मिलाकर पुरुषवाचक स्वरनाम बनता है। पहली बात कर लेते हैं हम उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष कहने का मतलब है कि खुद मेन जो पर्सन है उसकी बात करी जा रही है। जैसे कि यहाँ पर आपके कीवर्ड जो देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे मैं, मुझे, हम, हमें, या फिर इसके अलावा मुझको, मेरा, हमारा, हमको, ये जो सारी चीजें आती है ना, यानी कि जब अपने आप की बात करी जा रही हो वो क्या कहलाएगा, आपका उत्तम पुरुष कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं चुटकुले सुनाऊंगी। अब यहाँ पर क्या है, मैं यानी कि हम, अब वहीं पर ही यानी कि मैं हो गया, आप बोलोगे तो आप हो जाओगे। ओके, अब मैं की जगह हम लगा लो, मुझे लगा लो कि मुझे चुटकुला सुनाना है, या हम चुटकुले सुनाएंगे, या हमें चुटकुले सुनाने हैं, मैं चुटकुला सुनाऊंगी, कुछ भी लगा सकते हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका उत्तम पुरुष, जब खुद से कोई काम करा जा रहा हो। ओके, दूसरा आपका मध्य पुरुष। इसमें क्या होता है, खुद ना करके सामने वाले की बात करी जा रही है, जैसे कि तुम, तू, तुम्हारा, आप, तुम्हारे, या फिर आपके, या फिर आपके, इसी प्रकार के जो अन्य कीवर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, जिसमें आप खुद ना करके सामने वाले की बात कर रहे हो। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, आप क्या क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या करी जा रही है, आप अपनी बात ना करके दूसरों से पूछ रहे हो। पहले आप क्या कर रहे थे, अपनी बात कर रहे थे, आप क्या कर रहे हो, दूसरों की बात कर रहे हो। तो दूसरा जब व्यक्ति की संबोधन किया जाए, तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ऐसे वाले कीवर्ड्स आए, तो वो क्या कहलाएगा, मध्य पुरुष कहलाएगा। और लास्ट में आता है आपका अन्य पुरुष, यानी कि जब आप अपनी भी बात नहीं कर रहे हो, सामने वाले की भी बात नहीं कर रहे हो, आप दोनों मिलकर किसी और की बात कर रहे हो, जैसे कि वह, उसे, उन्हें,
वे या फिर इसके अलावा उन्होंने, उन्हें, उसका, उसे, इस प्रकार के जो कीवर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में वह कहाँ चला गया। अब यहाँ पर तुम ना ही अपनी बात कर रहे हो, ना ही जो आपके सामने सुन रहा है उसकी बात कर रहे हो, आप दोनों मिलकर किसी और की बात कर रहे हो। तो अब जब आप दोनों मिलकर किसी और की बात कर रहे होते हो तो वो क्या कहलाता है आपका, अन्य पुरुष कहलाता है। ओके, तो आप जब इन तीनों चीज का कहीं पर भी प्रयोग करवाओगे तो पुरुषवाचक स्वरनाम होता है, या फिर उसके अंदर से भी आपको ऑप्शन में दे दे उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष या अन्य पुरुष किसका है, तब आप देख सकते हो जब खुद की बात करी जाए तो उत्तम पुरुष, सामने वाले की बात करी जाए तो मध्य पुरुष, दोनों मिलकर किसी और की बात करी जाए तो अन्य पुरुष के अंदर आता है वो। ओके, नेक्स्ट है आपका निश्चयवाचक स्वरनाम। अब इसमें क्या होगा, तो इसके कीवर्ड्स भी हैं जैसे कि यहां, यह, वह या वे, ये वाले जो शब्द आ जाते हैं ना, इन प्रकार के कीवर्ड्स कहीं पर आपके इस्तेमाल किए जाएंगे ना, तो वो क्या कहलाएगा आपका, निश्चयवाचक स्वरनाम। यानी कि जिस स्वरनाम से निकट या दूर का निश्चयात्मक बोध हो उन्हें निश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पर देखो कीवर्ड आ गया यह, ये, यवा या वे, तो इन प्रकार के कीवर्ड्स देख सकते हो, यह पुस्तक मेरी है, तो क्या है, निश्चित बात पता चल रही है कि यह पुस्तक क्या है, मेरी है। दूसरा, वह मेरा मित्र है, साफ शब्दों में पता चल रहा है कि वो मित्र कौन है, मेरा मित्र है। अब यहाँ पर संदेह होता तब बात अलग थी, यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म हो रहा है कि ये, यहाँ पर यही लिख देते यह बुक किसकी है, तो अभी किसी को पता नहीं है तो वो निश्चित में नहीं आता। यहाँ पर क्या लिख रखा है, यह पुस्तक मेरी है, बिल्कुल निश्चित है, ठोस है कि ये मेरी पुस्तक है। वह मेरा मित्र है, ठोस बात है कि मेरा मित्र है। ओके, तो जब भी चीज, सारी चीज फिक्स होगी वो क्या आएगा आपका, निश्चयवाचक स्वरनाम के अंदर आएगा। नेक्स्ट है आपका अनिश्चयवाचक स्वरनाम। अब इसके अंदर कौन सा आएगा, तो जैसे कि कीवर्ड्स देख सकते हो, कोई, कुछ या कहीं, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो अनिश्चयवाचक स्वरनाम होगा, या फिर जिन स्वरनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान के लिए किया जाता है उसे अनिश्चयवाचक स्वरनाम ये कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मुझे कुछ खाना है। अब आपने ये तो बोल दिया मुझे कुछ खाना है, लेकिन खाना क्या है, कुछ कन्फर्म है, कुछ निश्चित है, नहीं। आपने बोला मुझे रोटी दाल खानी है तो निश्चित है, लेकिन मुझे कुछ खाना है, कुछ भी मिल जाए लेकिन खाना है। वहीं पर ही वह अचानक कहीं चला गया, कहाँ चला गया, कुछ पता है, नहीं पता। तो जब भी नहीं पता हो कि क्या हो रहा है, किस चीज़ के लिए बोला जा रहा है, वो किस में आएगा आपका, अनिश्चयवाचक स्वरनाम के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट है निजीवाचक स्वरनाम। इसमें कीवर्ड्स क्या होंगे, स्वयं, खुद या फिर अपने आप, यानी कि वो सारे काम जब आप खुद कर लो। अधिकतर ये तीन कीवर्ड्स ही आते हैं, इसके अलावा यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि जिस स्वरनाम शब्दों का प्रयोग करता, यानी कि खुद जो काम कर रहा है, के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, निश्चयवाचक स्वरनाम कहलाता है। तो यहाँ पर साफ शब्दों में कहा है, जब कर्ता जो होगा काम को करने वाला, वो अपने आप का बोध कराने के लिए किया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, निजीवाचक स्वरनाम कहलाया जाएगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि इस सवाल का हल अपने आप निकालो, तो यहाँ पर क्या करा जा रहा है, एक तो कीवर्ड आ गया अपने आप, और क्या करा जा रहा है कि खुद करा जा रहा है। जब आप स्वयं को काम खुद करते हो, कोई काम स्वयं करते हो, तो किस में आता है आपका, निजीवाचक में। देख सकते हो, इस सवाल का हल अपने आप निकालो, या फिर वह सारी बात खुद समझ जाएगा। क्या करेगा, वो खुद समझ रहा है, अपने आप कर रहा है सारा काम। तो जहां पर भी आपको ये तीन कीवर्ड, 99.9% आपको निजीवाचक स्वरनाम के अंदर ये तीन कीवर्ड ही देखने को मिलेंगे, स्वयं, खुद, अपने आप। देखते ही पता चल जाएगा, बिल्कुल सिंपल होते हैं ये वाले। ओके, नेक्स्ट है संबंधवाचक स्वरनाम। इसमें क्या होगा, जैसे वैसे, जो वो, जो सो, मतलब दोनों चीज मिलकर बनती है, जिसकी उसकी, इस प्रकार की चीज आपकी जुड़कर बनी जाती है यहाँ पर। तो जिस स्वरनाम में शब्द द्वारा वाक्य के प्रयुक्त अन्य स्वरनाम शब्द के संबंध दर्शाया जाता है उसको क्या कहलाया जाएगा, संबंधवाचक स्वरनाम कहा जाएगा। एग्जाम्पल से, जैसा करेगा वैसा भरेगा, दोनों एक लय में बन रहा है। दूसरा, जो होना था सो हो गया, तो यहाँ पर देख रहे हो, जैसा वैसा, जो वो, जो सो, जिसकी उसकी, इस प्रकार के कीवर्ड्स आपको देखना पड़ेगा, जितना उतना,
इस प्रकार के कि आपको जैसे कि एक देखा होगा, जो परिश्रम करेगा वो सुख पाएगा, तो वही क्या हो रहा है आपका, जो परिश्रम करेगा वो सुख पा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार के कीवर्ड जिसका संबंध आपस में दर्शाया जा रहा हो, पहले वर्ड का दूसरे वर्ड से, दूसरे वर्ड का पहले वर्ड से, जैसे कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, आपने जिस प्रकार का चीज करा उस प्रकार का आपको फल मिला, दोनों चीज एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से आपका संबंध बनता है वो क्या कहलाएगा, संबंधवाचक स्वरनाम कहलाएगा। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक स्वरनाम। इसमें यहाँ पर देखो हमेशा प्रश्न की बात करी जा रही है, जैसे कि क्या, कौन, कहाँ, इसमें हमेशा एक बात देखने को मिलेगी आपको, क्वेश्चन मार्क देखने को मिल जाएगा, शाब्दिक अर्थ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, डेफिनेशन भी, बस इतना ध्यान रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आप क्या पढ़ रहे हैं क्वेश्चन मार्क, आप कहाँ जाएंगे, आप क्या करोगे, आप किस दिशा में जाओगे, तो हर बार आपके प्रश्न पूछेगा, क्वेश्चन मार्क देखने का प्रश्न चिन्ह देखने को मिलेगा आपको, लास्ट में देखते ही पहचान जाओगे यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया तो फ्री के नंबर है और वैसे पूछा नहीं जाता है। ओके, तो ये तीन आपके पूरे के पूरे छह प्रकार के स्वरनाम थे। अब यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं उनको जरूर लगाने की कोशिश कीजिएगा कि कितना समझ में आया है अब तक आपको। तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि स्वरनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था स्वरनाम के छह प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि किस वाक्य में निश्चयवाचक स्वरनाम है, तो इन चारों वाक्यों में से आपको वो चुनना है जिसमें आपका निश्चयवाचक स्वरनाम होगा। तो पहला बोल रखा है हम खुद इधर आ गए, तो हम खुद इधर, खुद अपने आप किस में होता था, निजीवाचक में होता था। नेक्स्ट है कि हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, तो कुछ मैंने आपको किसका बताया था, वो अनिश्चयवाचक, अगर आपसे यहां पर अनिश्चयवाचक पूछा जाता तो दूसरा इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, नेक्स्ट है आपका तुम कॉलेज कब आओगे, तो देखो यहां पर क्या बोल रखा है, कब, कहां, कुछ, ये क्या होते हैं आपके, अनिश्चय के होते हैं, तो कब भी क्या हो गया, अनिश्चय का हो गया। चौथा बोल रखा है मेरा जो भाई तुम्हारे तुम्हें मिला था वह आगे चल रहा है, तो यहां पर क्या है, देखो बिल्कुल साफ बोल रखा है सारी चीज में, क्या बोल रखा है, निश्चित है, तो जो भी हो मेरा मेरी वो सारे किस में आते हैं, वो निश्चयवाचक स्वरनाम में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पुरुषवाचक स्वरनाम के कितने भेद होते हैं, तो तीन भेद बताए थे मैंने आपको, उत्तम, मध्य और अन्य, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था, सॉरी सेकंड, ये ऑप्शन थर्ड सही था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा स्वरनाम है, तो अपने आप किसका कीवर्ड बताया था मैंने आपको, निजीवाचक का, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं, वह में कौन सा स्वरनाम है, अब ये वह जो है वो कौन सा स्वरनाम है आपसे, ये बात की बात पूछी जा रही है। ओके, तो क्या होगा, वो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध या फिर आपका निजीवाचक, तो मैंने आपको बताया वह, यह, मेरी, कुछ, ये सारे क्या होते हैं आपके, वो निश्चयवाचक होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रखा था कि किसका है वह, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, निश्चयवाचक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेगा सो भरेगा, रेखा आपको यहाँ पर सो जो है वो शब्द बताना है क्या है, तो जो करेगा सो भरेगा, जिसका जितना जिसको उतनी, तो इस प्रकार के जो सारे के सारे की आपके आ रहे थे स्वरनाम वो किस में आ रहे थे, तो वो आ रहे थे आपके संबंध में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट है वक्ता जिस स्वरनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है उसे क्या कहते हैं, तो वक्ता क्या कर रहा है, सुनने वाले के लिए कर रहा है। ओके, तो अपने लिए करता है तो क्या कहलाता है आपका, उत्तम, और यहां पर क्या करा जा रहा है, सुनने वाले के लिए करता है, तो सुनने वाले के लिए करता है आपका वो किसका, मध्य के लिए, तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, अपने लिए करो तो उत्तम, सुनने वाले के लिए करो तो मध्य, और किसी अन्य के लिए करे जाओ तो अन्य पुरुष, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्ता के लिए अपनापन दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस स्वरनाम का प्रयोग किया जाता है, तो कर्ता के लिए अपनापन दर्शाने के लिए किस स्वरनाम का प्रयोग किया जाता है, अपनापन के लिए, तो वो निजीवाचक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष या फिर आपका अन्य पुरुष, तीनों को अपनापन बनाने के लिए इसमें करा जाता है, जैसे कि मैं अपना काम अपने आप करता हूं, जो आपका या खुद अपने आप करो, तो सारे के सारे किस में आते हैं आपके, अपनापन दर्शाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बिल्कुल, जो होगा आपका निजीवाचक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके,
तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके इंपॉर्टेंट जो कि आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस है या पूछे जा चुके हैं। तो ये थी आज आपकी पूरी की पूरी थियोरेटिकल पोर्शन और ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीचे आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।